अस्सलाम वालेकुम। आज खेलने जा रहे हैं हम भाई सब क्रिकेट। सुबह हार्ड बॉल खेलनी थी लेकिन उठ ही नहीं पाया। अभी टेप बॉल का मैच है, टेप बॉल खेलते हैं। 5-6 महीने के बाद खेल रहा हूँ टेप बॉल भी, पहले नहीं। फिर लॉकडाउन चल रहे थे कोरोना की वजह से, फिर से जी तो थोड़ा खर्चे भी कर दिया है। ये एक व्लॉगिंग किट ली है ताकि थोड़ा कैमरा शेकिंग हो। अभी टेप बॉल का यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है 8 टीमों का। वहाँ पे एक दोस्त मिला था नाश्ते के दौरान के यार हमारी टीम में आज खेलो, तो अभी उनकी टीम में खेलने के लिए जा रहा हूँ। दुआ करना अच्छा मैच हो जाए। ये जी हमारा ग्राउंड, बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक यू। ये एक्चुअली में ना मैं व्लॉग भी शूट कर रहा हूँ। अच्छा, ओके, कोई मसला नहीं है ना? नहीं, कोई मसला नहीं। चलो ठीक है, बेस्ट विशेस आप। आप किधर जनाब? जनाब उधर मुर्शिद किधर गए? मुर्शिद उधर जाओ। ये हमारे टीम के कैप्टन हैं तैयब भाई। ये दानिश भाई बहुत माशाल्लाह अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत अच्छा। नूर भाई हमारे वसीम भाई ये हमारे टीम के सपोर्टर हैं सब। तो भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। मेरा नाम लाइक करो, इजाज़ भाई को लाइक करो यार। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी। इतनी गर्मी में क्रिकेट वही खेल सकता है जिसे इंतहा का शौक हो। हम लोगों ने मैचेस तो खेल लिए हैं, 2 मैचेस खेले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुके हैं। ये दूसरा मैच हमारा सुहार सनाई की टीम के साथ था, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टीम है सुहार। तो वो हमने जीत लिया है। 80 रन का टारगेट था 5 ओवर में और 15 स्कोर से जीते हम लोग। खाना खा लिया है, अभी वापस जा रहा हूँ ग्राउंड में। जैसा कि हमारा एक सेमी बाकी है, इंशाल्लाह जीत के तो फाइनल भी खेलेंगे।
6. टूर्नामेंट में हमारा सफ़र ख़त्म हुआ, हम लोग सेमीफाइनल में हार चुके हैं। बेस्ट ऑफ लक टू सुहर सुनैया एंड सहम। चलो अगले जो मैच है, कोई नहीं, क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, लेकिन यार टेबल में ना बंदा बहुत हर्ट होता है जब आप मेन प्लेयर हो और आपसे कुछ ना हो, सिचुएशन अच्छी नहीं रहती। चलो बहरहाल क्रिकेट है, कुछ भी हो, जो अच्छा खेलेगा ऑब्वियसली वो जीतेगा। तो दिन है गुजर चुका, शाम के 5 बज गए हैं, तो अभी जाके रिफ्रेश होते हैं, उसके बाद एक दोस्त ने आना है। तो जी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे सामने खेल रहे हैं, क्रिकेट का क्रेज़ बहुत है यहाँ। तो जी अल्लाह हाफिज़, तो हम याद रखें।